अक्षय कुमार स्टारर फिल्म पृथ्वीराज चौहान की अनाउंसमेंट जो है उनके जन्मदिन के मौके पर की गई। इस फिल्म को लेकर अक्षय कुमार ने पहले ही कंफर्मेशन दे दी थी कि पृथ्वीराज चौहान में वो पृथ्वीराज चौहान के किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म बायोपिक होने वाली है अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। वहीं इस फिल्म के अंदर संयोगिता का किरदार निभाने वाली है मनुषी चिल्लर। वहीं फिल्म के अंदर मेन विलन का किरदार जो है संजय दत्त निभाते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार वर्सेस संजय दत्त, इस फिल्म को काफ़ी लोगों ने इस तरह भी देखा है। लेकिन इस फिल्म से जुड़ी हम खास बातें आपको बताने वाले हैं कि क्यों अक्षय कुमार के लिए ये फिल्म बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। दोस्तों, अक्षय कुमार हमेशा से ही अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए नज़र आते हैं, ये बात तो सभी जानते हैं। अक्षय कुमार की अगर आप साल की कोई भी फिल्म उठाकर देख लें तो हर फिल्म एक अलग जॉनरे की होती है। अगर बात करें उनकी मिशन मंगल, तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। जो केसरी फिल्म थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर फिल्म थी। वहीं अब हाउसफुल 4 आएगी तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी से भरपूर होने वाली है। वहीं अक्षय कुमार हर जॉनरे में नज़र आए लेकिन कभी भी पीरियड ड्रामा में नज़र नहीं आए। अब पहली बार अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान के साथ एक पीरियड ड्रामा में राजा का किरदार निभाने वाले हैं, ऐसा किरदार जो उन्होंने कभी नहीं निभाया। अक्षय कुमार इसीलिए इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा खुश भी हैं क्योंकि इस जॉनर में उन्हें हमेशा से ही अपना हाथ आजमाना था। वहीं दूसरी और खास बात दोस्तों, इसमें आपको फ्रेश जोड़ी देखने को मिलने वाली है। अक्षय कुमार की इस फिल्म में मनुषी चिल्लर बॉलीवुड डेब्यू करती हुई नजर आएंगी। अब बॉलीवुड डेब्यू हो रहा है, वो भी इतने बड़े स्टार के साथ, और एक फ्रेश जोड़ी लोगों के सामने आएगी तो लोग एक्साइटमेंट में इस फिल्म को देखने ज़रूर आने वाले हैं। और पृथ्वीराज चौहान हर किसी को इस नाम से वाकिफ कराने के लिए अक्षय कुमार हर बेतोड़ कोशिश करेंगे। तीसरी और सबसे बड़ी खास बात, संजय दत्त एज अ विलन। जी हाँ दोस्तों, संजय दत्त जिस भी फिल्म में विलन का किरदार निभाते आज तक नजर आए हैं वो फिल्म सुपर डुपर हिट होती ही है, क्योंकि संजय का किरदार इस तरीके से रचा जाता है कि उनकी नेगेटिव भूमिका लोगों को बेहद पसंद आती है। अब संजय दत्त इस फिल्म में भी अक्षय कुमार के अपोजिट एक्शन करते हुए नजर आएंगे। फिल्म के अंदर एक्शन तो होगा ही होगा, वहीं पीरियड ड्रामा के हिसाब से आपको पुराने जमाने के हथियारों के साथ लड़ते हुए अक्षय कुमार बेहतरीन लगने वाले हैं। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं पृथ्वीराज चौहान के लिए, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि यही मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।